हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका एंड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आज का हमारा डिस्कशन आज हम बात करेंगे कि नागालैंड गवर्नमेंट ने जो फाइनली हरी झंडी दे दी है ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन है उसको हम लागू करवाएंगे अपनी सिविक बॉडीज में लोकल बॉडीज में जैसे नगर पंचायत हो गई नगर पालिका हो गई म्यूनिस्पल कमीशन हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा हमें थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन को इंप्लीमेंट करवा के ही हम जो सिविक बॉडी पोल्स हैं जो एक डीकेट से भी ज्यादा से पोस्टपोन हो रखे हैं कंडक्ट नहीं किए जा सके हैं अब उनको हम फाइनली कंडक्ट करवाएंगे दोस्तों किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पहला लिंक इंग्लिश दूसरा हिंदी और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा इस हफ्ते के स्टार्ट में नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्लियरली कहा कि अब हम तैयार हैं जो ये थर्टी थ्री परसेंट तैतीस परसेंट जो आरक्षण है रिजर्वेशन है विमेन का सिविक बॉडी पोल्स में उसको लागू करवा के और नागालैंड के सिविक बॉडी पोल्स जो टू से पेंडिंग है उनको अब फाइनली कंडक्ट करवाने के लिए और जैसे ही स्टेटमेंट फाइल हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि फिर तो कोई जरूरत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाने में और उन्होंने डायरेक्शन दिया कि नागालैंड इलेक्शन कमीशन क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है लोकल बॉडी इलेक्शन को वो शेड्यूल्ड डेट्स पे ही जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन है नागालैंड के उनको कैरी आउट करवाएं और जैसे ही ये थर्टी रिजर्वेशन हो जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज में तो एक बहुत बड़ा कंटेंशियस सब्जेक्ट टू थाउजेंड फोर से मैं कहूंगा लगातार कई बार एजिटेशन हो चुके हैं वॉयलेंस हो चुका है और मैं कहूंगा जब 2017 में या 2017 का जब मेंस का एग्जाम हम लोग लिख रहे थे दे रहे थे प्रिपेयर कर रहे थे तब एक बहुत बर्निंग इशू बना हुआ था फाइनली लगता है इतने सालों बाद एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू एक बड़ा इशू जो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ हमारी सोसाइटी है और उसको कैसे हम कल्चरल जो फ्रीडम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है खासतौर से स्पेशल एरिया के लिए ताकि उनके लोकल ट्रेडिशन को कल्चर्स को हम प्रिजर्व कर सकें उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें उस दोनों चीजों को बैलेंस करता हुआ फाइनल आउटकम दिखाई देता है सो नाउ इट्स ऑल ग्रीन सिग्नल कि जो भी लोकल बॉडी इलेक्शन हैं जो एक डिकेट से भी ज्यादा से अटके हुए थे अब फाइनली नागालैंड में उनको करवाया जाएगा आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खास बात है इस इशू में बाकी सभी स्टेट्स में तो अर्बन लोकल बॉडीज के म्यूनिसिपल बॉडीज के नगर पंचायत के लगातार इलेक्शन होते हैं कभी कोई इशू देखा ही नहीं फिर ऐसा क्या स्पेशल है नागालैंड से रिलेटेड इस पर्टिकुलर इशू में थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं क्यों अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस रहे नागालैंड में वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए और ये स्टोरी शुरू हुई कहानी शुरू हुई 2004 से जो सिविक बॉडी इलेक्शंस हैं नागालैंड में पहली बार कब कंडक्ट किए गए 2004 में और यह कंडक्ट किए गए जब नागालैंड ने 2001 में अपना नागालैंड म्यूनिसपल एक्ट इनेक्ट किया फाइनली जो नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट है टू का इसको अमेंड करना पड़ा 2006 में ताकि 1992 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके थ्रू थर्टी रिजर्वेशन है विमेन का उसके अकॉर्डेंस में इसको लाया जा सके और जैसे ही ये अमेंडमेंट किया गया नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट 2001 में 2006 में अमेंडमेंट किया गया जिसके थ्रू 33 परसेंट जो रिजर्वेशन है विमेन का या हमारी महिलाओं के लिए उसको लाया गया ताकि 1992 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके इन लाइन में इसको किया जा सके उसको फॉलो किया जा सके इमीजिएटली पूरे नागालैंड में वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन एजिटेशन वॉयलेंस उस वक्त देखने को मिला इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट और कई सारे नागा ग्रुप्स उन्होंने कहा कि ये जो 33% का रिजर्वेशन है फीमेल्स का विमेन का लोकल बॉडीज में ये जो नागा कस्टम्स हैं लॉज हैं जिनको आर्टिकल 371 ए है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करता है उसके अगेंस्ट है उसका ये पॉल्यूशन है और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 371 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता है और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है हमारे ट्राइबल्स की कम्युनिटीज की उसको प्रोटेक्ट करता है प्रिजर्व करता है उसको ये क्लियरली वॉयलेट करता हुआ देखा जाएगा क्योंकि जो नागा ट्रेडिशन रहे हैं उसके हिसाब से इस तरह का रिजर्वेशन जिसमें वेमेन को स्पेसिफिक स्टेक होल्डर बनाया जाए अभी तक हमने इतने सालों में कभी नहीं देखा यह रहा मेन कंटेंशन का इश्यू एक तरफ कस्टमरी लॉस, एक तरफ ट्रडिशंस एक तरफ ओल्ड कल्चर एक तरफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन जो स्टेट को स्पेशल स्टेटस देता है ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करता है दूसरी तरफ हमारा 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी फीमेल्स को वुमेन को थर्टी परसेंट रिजर्वेशन देता है सभी अर्बन लोकल बॉडीज में दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए दोनों के बीच में कैसे इस गैप को या मिसकम्युनिकेशन को ब्रिज किया जाए फाइनली फरवरी 2017, नागालैंड गवर्नमेंट ने फिर एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव रहा कि आप ये 33% परसेंट जो रिजर्वेशन है जो 2006 का अमेंडमेंट रहा नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट 2001 में जिसके थ्रू 33% परसेंट रिजर्वेशन अब आपने अपने नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट में इंसर्ट कर दिया है डाल दिया है अपडेट कर दिया है उस 33 परसेंट रिजर्वेशन को आप लागू करवाते हुए 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया नागालैंड गवर्नमेंट को कि आप अब अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाइए स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश भी की लेकिन बहुत ज्यादा वॉयलेंस उस वक्त देखा गया दो से ज्यादा लोगों की डेथ भी हो गई और उस वक्त के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहे ऑफ नागालैंड मिस्टर टी आर जिलिंग उनको रिजाइन करना पड़ा इन प्रोटेस्ट की वजह से अब क्वेश्चन यह है क्या नागालैंड में हर कोई इस 33% परसेंट रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विमेन को अपोज कर रहा है ऐसा नहीं है कई सारे विमेन ग्रुप जैसे नागा मदर्स एसोसिएशन जिसका नाम है एनएमए उन्होंने ये जो डिबेट है इसके दूसरी तरफ खड़ा होना ज्यादा प्रफर किया और उन्होंने एक बड़ी लंबी लीगल लड़ाई लड़ी इन इलेक्शंस को करवाने के लिए इस 33 परसेंट रिजर्वेशन को इंसर्ट करवाते हुए लागू करवाते हुए और उन्होंने कहा नागा मदर्स एसोसिएशन के बैनर के अंडर कि जो थर्टी थ्री परसेंट का रिजर्वेशन है अर्बन लोकल बॉडीज में ये किसी भी तरह से जो आर्टिकल 371 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देता है वहां की जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करता है कस्टमरी लॉस को प्रोटेक्ट करता है प्रिजर्व करता है उसका इंफ्रेंचमेंट नहीं है उसका वोलेशन नहीं है उसके साथ सिनर्जी में ही है और एशनल यह दिया गया आर्टिकल 371 ए है यह कस्टमरी प्रैक्टिसेस को तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है लेकिन जो 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके थ्रू सभी अर्बन लोकल बॉडीज में 33 थ्री परसेंट रिजर्वेशन को इंश्योर किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अक्रॉस द कंट्री उसको इंप्लीमेंट करवाया गया है तो फिर नागालैंड उसमें एक्सेप्शन क्यों हो क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ टू जिसके थ्रू 33 परसेंट रिजर्वेशन हुआ अर्बन लोकल गवर्नेंस में एक बड़ा लैंडमार्क उसको फीट समझा जाता है जब बात हो जाए विमेन इंपावरमेंट की विमेन रिप्रेजेंटेशन की कंटेंशन ये रहा इन इलेक्शंस के खिलाफ कि नागालैंड गवर्नमेंट ने दिसंबर 2009 में जब ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स होने लगी एजुटेशन होने लगे तो 2010 में जो म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले थे उनको इनडेफिनेटली हमेशा हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दिया मामला ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट में पहुंचा और टू में नागा मदर्स एसोसिएशन एन एम ए पिटिशन फाइल की गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस पर्टिकुलर इशू में कई सारे जो लीडर्स थे एनएमए के उसके अलावा कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे नागालैंड में उन्होंने एक जॉइंट एक्शन ऑन रिजर्वेशन जिसका नाम रखा गया जे एसी डब्ल्यू आर फॉर्म की और उसी साल उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी में इस इशू को पिटिशन के थ्रू प्रेस करना शुरू किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी ने भी नागालैंड गवर्नमेंट से कहा कि आपको ये 33 परसेंट रिजर्वेशन लागू करवाना होगा और आप इलेक्शंस को होल्ड करवाइए 2011 में ही लेकिन इसके बावजूद नागालैंड असेंबली ने 2012 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी के इस डायरेक्शन वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाते हुए एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये जो थर्टी रिजर्वेशन है अर्बन लोकल बॉडीज में उसको रिजेक्ट किया इसको देखते हुए फाइनली जो नागा मदर्स एसोसिएशन है एनएमए है उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और फाइल की एक स्पेशल लीव पिटीशन और उन्होंने कहा कि 33 परसेंट रिजर्वेशन जब बाकी कंट्री में लागू हो गया है सभी अर्बन लोकल बॉडीज में तो फिर नागालैंड में यह क्यों लागू नहीं हो पा रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी ऑलरेडी 2011 में ही जजमेंट दे चुके हैं डायरेक्शन दे चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट को उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट लागू करवाने की बजाय एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी के डायरेक्शन जजमेंट के अगेंस्ट सुनवाई करते हुए द द द द सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट 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 ऑफ लैंड उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 2017 में स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए क्या आपको 33 परसेंट रिजर्वेशन तो लागू करवाना ही है और आप 2017 में ही इस रिजर्वेशन के साथ आप लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगे जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया स्टेट असेंबली ने जो 2012 में अपना रेजोल्यूशन पास किया था इस 33 रेजोल्यूशन के अगेंस्ट उस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया और अग्री किया कि क्योंकि अब yeah. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है जिसको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता हम इन इलेक्शन को करवाने के लिए तैयार हैं फेबरी टू में फिर से एक बार कोशिश हुई कि इलेक्शन को करवाया जाए ऑपोजिशन बहुत हुआ वॉयलेंस हुआ फायरिंग हुई आगजनी हुई और दो से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई फाइनली इलेक्शंस नहीं करवा जा पाए इसी बीच एन ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशन थी उससे अपना नाम विड्रॉ कर लिया लेकिन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने उन्होंने अपने आप को इस केस में पार्टी बना लिया कि हम इस केस को और परस्यू करेंगे फर्दर फिर क्या हुआ अक्टूबर 2021 थाउजेंड में एक कमिटी बनाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने कि जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है 2001 इसको पूरी तरह रिव्यू किया जाए समझा जाए कि इसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए फेबरी टू में फिर से एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई कि आपके डायरेक्शन जो आपने टू में दिए 2011 के जो डायरेक्शंस रहे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी के उनके डायरेक्शंस के बावजूद भी जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड है अभी तक ना ही रिजर्वेशन लागू करवा रही है ना ही इन इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा रहा है 2010 में ड्यू थे अब 2022 आ गए रफली 12 इयर्स निकल गए 12 साल हो गए तो फेब्रवरी टू टू में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से डांट लगाई नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को अब आप डिले नहीं करेंगे क्योंकि इन इलेक्शंस को इस रिजर्वेशन को लागू नहीं करना एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेंडर इक्वालिटी का वुमेन इंपावरमेंट का उसको आप डिप्राइव कर रहे हैं हमारी वुमेन फोक ऑफ नागालैंड से आप एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर को आप पोस्टपोन करते चले आ रहे हैं जो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आप कोर्ट्स के डायरेक्टिव को भी आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जैसे ही February 2022 का ये फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की उसके बाद मार्च 2022 में ही जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड है उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुलाई सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो चर्चेस हो ट्राइबल बॉडीज हो पोलिटिकल पार्टीज हो एनजीओज हो और यह कहा गया कि अब सभी इस बात पर यूनैनिमसली ग्री हो चुके हैं सभी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा गया कि 33 परसेंट जो रिजर्वेशन है विमेन के लिए उसको अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में लागू करवाकर अर्बन लोकल बॉडी पोल्स को कंडक्ट किया जाएगा यह भी कहा गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि बड़ा हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन है कि फाइनली इतने सालों से 2004 से जो इशू चल रहा था अब एक क्लोज आउट पर आता हुआ दिखाई देता है अप्रैल ट्वेल्थ 2022 नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइनली एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने कहा कि अब हम तैयार हैं इस 33 को करवाने के लिए और नागालैंड स्टेट इलेक्शन कमीशन को, को डायरेक्ट किया कि जो शेड्यूल डेट्स है उसी पर आप इस रिजर्वेशन को लागू करवाते हुए इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे अब जो कई सारी एपेक्स ट्राइबल बॉडीज हैं जैसे नागा हो हो, जिसको सबसे बड़ी ट्राइबल बॉडी समझा जाता है नागालैंड की उन्होंने भी कहा कि अब हमें कोई ऑपोजिशन नहीं है ना ही इस रिजर्वेशन का ना ही अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को लेकर इसके अलावा और भी जो स्टेक होल्डर्स थे जो पहले शायद अपोज कर रहे होंगे उन्होंने भी क्लियरली मना कर दिया कि अब हमें कोई ऑपोजिशन नहीं है जो हमारी फीमेल्स हैं वुमेन फोक हैं उनको भी इक्वल पोजीशन और प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटीज मिलनी ही चाहिए इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऑल इन ऑल ए हैप्पी डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी मेजर इनिशिएटिव टू इंश्योर वेमेन एम्पावरमेंट आई होप कि इसी तरीके से जो बाकी कंटेंसिस इश्यूज हैं इस देश के हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहते हुए डेमोक्रेटिक मेथर्ड्स के थ्रू निगोसिएशन के थ्रू कई बार कोर्ट्स के थ्रू भी इन इश्यूज को रिजोल्व करवाते हुए ऐसे ही देश को आगे बढ़ाते रहेंगे स्टे जय हिंद जय भारत